अभी एक फाइट समाप्त हुई थी, एचएच आ तो जरूर चुकी है यहाँ पर थर्ड पार्टी का एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मच अवेटेड फाइट शायद होती नजर आ सकती है जिया टीम सोल वर्सेस टीम गॉड लाइक। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कोई इच्छा जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन जोनाथन है वो तो हर बार करेंगे और कोशिश करें अपने कनेक्शन अपने ग्रेड के चलते भी और अपने उस असॉल्ट राइफल के चलते नहीं यहाँ पर निकाला जाएगा। और फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि शैडो पूरी टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है यहाँ पर, जहां तक लगा था कि यहाँ पर बैक ऑफ किया जाएगा, बट जी नहीं, अक्षत इज अ लोन मैन वॉरियर। शायद अब सर्वाइवल खेलना पड़ेगा या फिर नियो को रिवाइवल करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्या लगता है सरदार जी आपको? कम नहीं आ सकता आप इस अकेले खिलाड़ी को, अक्षत समझते हुए मौके की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही थी, इस मौके का बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था गॉडले की तरफ से कि भाई हमें मौका मिले कुछ फिनिशर्स निकालने का। उनको मौका जो का टॉप जी के ऊपर जब स्प्रेस की थी तो पता चला यहाँ आसपास कोई टीम बैठी है। जॉनथन एक अच्छा करेक्शन, स्क्रीम रेडन दो प्लस को किया गया है डाउन, डीबीएस का फटका पड़ा एक का एक लगातार दो बढ़िया शॉट्स, बट आई वुड लव टू सी उस फाइट को क्या शुभ को भी खत्म, तीनों ही प्लेयर्स एक अधिक लगातार डीबीएस करेक्शन। आप देखें जेनेक्स के सामने अब गॉडलाइक रूप यहाँ पर एक चैलेंज देखने को बलता नजर आएगा। जोनाथन का वी ऑल नो कैजुअलिटी यहाँ पर जरूर आ चुकी है, लेकिन ट्रायो भी किससे कम नजर नहीं आ रहा, अपने थ्रोबल्स के चलते ही नॉकआउट निकालने की कोशिश। उनको पता है खिलाड़ी कहीं ना कहीं शॉटगन से भी यहाँ पर फाइट निकाल सकते हैं, लेकिन ओपन की फाइट पीछे भी जरूर चेकआउट करना बहुत जरूरी है यहाँ पर गॉडलाइक। अगर हम बात करें फ्री एजेंट यहाँ से बहुत अच्छा कनेक्शन निकाल सकते हैं, इज गोइंग फॉर द कनेक्शंस, डीबीएस का एक बहुत ज्यादा बढ़िया इस्तेमाल, दोनों ही साइड से डीबीएस थी, बट जैसा कहते हैं डीबीएस जो पहला और जॉनथन अभी के तो फिनिश हो चुके, लेकिन हाँ फिनिश से पहले चार फिनिशर्स निकाल के गए थे। आत्मा में देखने को मिल जाएगा काफी अच्छा देखा जाए तो बचाव यहाँ पर किया गया है। नियो की तरफ से वो नेट चलेगा जो कि उस फ्रैग को स्टील करेगा, खाता नियो ने खोला अपना और एक स्टील किए हुए फ्रैग के साथ एक्वा की तरफ से वो नॉकआउट था और गॉडलाइक नियो ने उस फ्रैग को अपने निकाला, बट यहाँ पे गॉडलाइक के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग मिल चुकी है, प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैग आए, एचपी काफी ज्यादा कम की गई है, बट शैडो ढूंढना पड़ेगा स्मोक के अंदर वो खिलाड़ी कहाँ है पीछे तो देखो शैडो, बहुत बढ़िया कनेक्शन, इजीली एग्जीक्यूटेड फाइट और 15 फिनिशर्स के साथ गॉडलाइक वर्सेस एंटिटी गेमिंग के बीच में हमें देखने को मिलते नजर आएंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर वन प्लेट का ही खिलाड़ी बचा, क्योंकि अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर वो टॉप 3 के चार्ट है, लेकिन शैडो ने इन्फॉर्मेशन ले लिया। दूसरी तरफ से सोमराज का नॉकआउट फ्रीजन के द्वारा और शैडो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटिटी यहाँ पर गमला बॉय का भी फ्रैग निकाल जरूर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट इसी बीच नियो का नॉकआउट शायद अवॉइड करके चलना था, बट गमला बॉय हाथ में अभी भी ग्रेनेड रखा हुआ है, स्मोक के अंदर अभी के लिए हाइड होके जरूर बैठे रहेंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया ट्रॉय के द्वारा, वो सपोर्ट फायर आ तो जरूर है उस ओपन एंडेड वेयरहाउस से, लेकिन मुझे लग रहा है कि शैडो ने अब स्पॉट कर लिया है, एक शॉट अभी जरूर देंगे दोनों के द्वारा, जिगल पीक यूएमपी 45 जरूर थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये ट्रॉय निकाल पाएंगे नहीं, ये तो अभी के लिए आने वाला कुछ क्षण बताते नजर आएगा। इंतजार करें सही मौके का, शैडो नहीं ये शॉट तो मिस आपको नहीं करना चाहता, बट इसी बीच जो रीसेट करने गए थे यहाँ पर, जी हाँ, क्योंकि अभी के लिए फ्री एजेंट और साथ साथ जो न्यू है मेरे ख्याल से एक साथ आगे बढ़ते नजर आने वाले, बट ट्रॉय क्या एक एपिक क्लच करके दिखा पाएंगे नहीं? I don't think so. ये चीज इतनी आसान है, दो अलग अलग दिशाओं से पुश करते हुए दोनों ही प्लेयर्स, ट्रॉय इज ट्राइंग हिज बेस्ट, एक बोल्ट ऑफ डाली जरूर से, बट उस बोल्ट ऑफ का कहीं ना कहीं हल्का डैमेज खुद भी खाए।